टॉपिक नंबर थ्री, ट्रांसफ़र ऑफ द हीट, कंडक्शन। हीट को ट्रांसफ़र करने के तीन तरीके हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले कंडक्शन के बारे में उन्होंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर वन है, विच मटीरियल मेक्स द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा मटीरियल जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है? मेटल्स। मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज हीट कैन ट्रैवल थ्रू देम ईजीली, क्योंकि हीट उसमें से ईजीली ट्रैवल कर सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र कर जाती है ईजीली, उसे हम कहते हैं मेटल्स। वट इज़ एन इंसुलेटर? नेम थ्री इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर, जिसमें से हीट ट्रैवल नहीं करता, जिसमें से हीट पास नहीं करती, जिसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती जिसके थ्रू, ऐसे मटीरियल्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। उन्होंने तीन इंसुलेटर्स के बारे में हमें बताया हुआ है, प्लास्टिक, रबर और वुड। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास, एक्सप्लेन हाउ हीट इज़ कंडक्टेड अलोंग अ मेटल बार। एक मेटल का बार लिया आपने, मेटल का एक आपने थोड़ा सा पीस ले लिया, उस बार को आपने हीट किया, तो उसमें से हीट जो था वो किस तरह से कंडक्ट हुई, मतलब हीट एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक किस तरह से गई। इफ़ अ मेटल बार इज हीटेड, द पार्टिकल्स देयर गेन थर्मल एनर्जी एंड वाइब्रेट फास्टर, बिट बाय बिट इंक्रीज्ड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज पास्ड अलोंग द बार अंटिल द होल बार इज हॉट। आपने एक मेटल बार लिया, उसको हीट किया, हीट करने की वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी को कहते हैं, थर्मल एनर्जी मिली उसको, और वो उसके पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया फास्टली। जब उसने फास्टली वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा, उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हुई, जब उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हुई तो इसी तरह से जब एक पार्टिकल वाइब्रेट किया तो अपने उसने अपने साथ वाले पार्टिकल को भी वाइब्रेट किया, और साथ वाले पार्टिकल ने अपने थर्ड वन को पार्टिकल को जो था वाइब्रेट किया, इस तरह से वो पार्टिकल्स सारे जो थे वो वाइब्रेट होते रहे, तो एक कॉर्नर से हीट जहाँ पर आपने हीट दी थी तो दूसरे कॉर्नर तक हीट जो थी वो ट्रांसफ़र होगी। क्यों? पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से। पार्टिकल्स की वाइब्रेशन क्यों हुई? क्योंकि उसको एनर्जी मिली, और एनर्जी किस तरह से मिली कि हम उसको हीट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फोर, सजेस्ट व्हाई द बेस ऑफ द सॉसपैन इज मेड ऑफ द मेटल। वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं, डिस्कस करें कि मेटल सॉसपैन जो है उसको मेटल का क्यों बनाया जाता है। द बेस ऑफ द सॉसपैन इज मेड ऑफ द मेटल बिकॉज मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट कैन ट्रेवल थ्रू दम ईजीली। हम सॉसपैन के बेस को मेटल का इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेटल जो होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उसमें से हीट ईजीली ट्रांसफर कर जाती है, इसलिए आप कोई भी चीज़ सॉसपैन में बनाओगे तो वो ईजीली बन जाएगी, पक जाएगी। क्यों? क्योंकि हम, क्योंकि हीट जो थी वो चूल्हे से उस खाने तक या उस पानी तक जो आपने सॉसपैन में डाला हुआ है वो ट्रांसफ़र हो रही है किसके थ्रू? मेटल के थ्रू, सॉसपैन के थ्रू। जो सॉसपैन जो था वो मेटल का बना हुआ था, डैट्स वाई वी यूज़ द मेटल फॉर मेकिंग द सॉसपैन बिकॉज इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बी पार्ट है आपके पास कि द हैंडल ऑफ अ सॉसपैन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, कि आपके पास जो प्लास्टिक सॉसपैन का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का, ये वुड का बना होता है। क्यों? The handle of a saucepan is made of the plastic because plastic is a poor conductor of heat and cannot travel through them easily. क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है और हीट उसमें से ट्रांसफ़र पास नहीं करती, इसीलिए जब आपने खाना पकाना होता है या आप सॉसपैन में कोई चीज़ जो है वो गर्म कर रहे हो, आपने उसको होल्ड किया हुआ है, तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आपके लिए वो वुड का या प्लास्टिक का पीस लगाया होता है ताकि आप उसको ईजिली पकड़ सको। क्यों? क्योंकि हीट वहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं हो रही, चूल्हे से आग से लेकर अब उसके हैंडल तक ट्रांसफ़र नहीं हो रही, क्योंकि प्लास्टिक और वुड जो होते हैं वो तो इंसुलेटर्स होते हैं, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते।